कितने केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के पिछले एक दिन के अंदर, क्या आपको जानकारी में है? वायरस क्या अपराध है क्या? अरे भाई इनको बीमार है, इनका इलाज करवाइए, सब लोग हो रहे हैं। 35% अगर जमात के लोग हो तो 65% बाकी लोग क्या वो मानव बम है, वो तो कोरोना ना, ना, हो गया क्या? 35% फैलाया ना, 35% फैलाया ना। मनोज जोशी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बॉलीवुड के एक्टर है मनोज जोशी। होता है किसी को पता नहीं चलता है सिम्टम्स में, लेकिन फेक न्यूज फैलाने पर एक सेकंड चुप रहिए शोएब जमाई। नहीं शोएब जमाई, अपने घर के अंदर बैठकर अपनी न्यूज की फैक्ट्री मत चलाओ। नहीं शोएब जमाई, अपने घर के अंदर बैठकर अपनी न्यूज की फैक्ट्री मत चलाओ, शांत रहिए। मनोज जोशी, मैं आपका रुख करता हूँ अंसार आजम, आपके पास आ रहा हूँ। मनोज जोशी, सबसे पहले आप सबको भगवान महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब इस महामारी से जल्दी उगरे और ईश्वर इस महामारी से हम सबको, हम सारे भारतवासियों को बचाए, यही ईश्वर को प्रार्थना करता हूं। पर एक चीज मुझे बतानी है कि भारत में, हेलो, भारत में सतर्कता बरतते हुए देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ। लॉकडाउन के वक्त पे कोरोना विरुद्ध युद्ध में हमने, हमारी स्थिति भी मजबूत हो रही थी, लेकिन ये हमारे प्रयत्नों को ये तबलीगी जमात ने अपनी गलती से कमजोर कर दिया, और आंकड़े उसका प्रमाण है। और एक तृतीयांश आंकड़े जो हैं, ये तबलीगी जमात ने देश के कोने कोने में जाकर फैलाया है, ये तो सत्य है। लेकिन क्या है कि ये जो सो कॉल्ड, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, हेलो जी, आवाज आ रही है। ये सो कॉल्ड बुद्धिवादी जो पढ़त मंडूक लोग हैं, ये तबलीग के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, दिए जलाने पर इनको चिंता होती है, लेकिन इन बुद्धिजीवियों को जब ये लोगों पर थूकते हैं, नर्सेस डॉक्टर को मारते हैं, हॉस्पिटल में नंगे नाचते हैं, तो इनको ये इंसानियत का अद्भुत गुण दिखता है, और दीप प्रज्वलन करते हैं सामूहिक रूप से सारे भारत में, एक सकारात्मक ऊर्जा इस महामारी से लड़ने की सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है, तो ये बुद्धिजीवियों को चिंता होती है। तस्लीम रहमानी रिएक्ट कर रहे हैं, अंसार आजम आपके पास आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी 30 सेकंड्स, आप खाली टेलीविजन देख के रिएक्ट कर रहे हैं। मनोज जोशी जी, आपने शुरू में जो बात कही बहुत काबिले कद्र बात है, मैं सलाम करता हूँ उस बात को, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि टेलीविजन की हर खबर को सच मत मानिए, अपने सोर्सेज से उसको वेरीफाई भी कर लीजिए। सोर्सेज से, लेकिन आगे आकर बुद्धिजीवी भी बोले ना कि ये गलती है और उनको रोके, बोल रहे आप तो नहीं कर सकते हैं ना, नहीं बोला गया है, सब बोल रहे हैं, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। 25,000 भैया, 25,000 लोग क्वारंटाइन में पहुंचे हैं भैया, कोई भी हो, लेकिन इससे विपत्ति आ सकती है, जी। मनोज जोशी, तस्लीम रहमानी में आपको रुकना चाहूंगा। मौलाना कादरी मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं, उनका मैं रुक करूंगा, लेकिन पहले मैं सुनाना चाहता हूं इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने किस तरह से मीडिया को धमकी दी थी, आइए सुनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पिछले 3 दिन से जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंतजार का नतीजा है। इस बात को आप जहन में बिठा ले, अगर तुम्हें न्यूज चलानी है तो हद्दो अदब में रहते हुए नाम लो। तमाम लोगों को ये बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। मैं अब कादरी साहब आपके पास आता हूं, किसको, किसका माइक लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा, उसका जो इस लड़ाई में जो महामारी है उसमें ऑलरेडी माइक लेकर चल रहा है, किसका चलना मुश्किल हो जाएगा? साहब पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह जुमला आपने अदा नहीं किया, मैंने उन लोगों को कहा, और पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इसको आप धमकी ना समझें, एक मशवरा था, आगे का भी अगर आप जुमला